सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन को और दबाइए घंटे बटन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं डिजीपे के अंदर आने वाली एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा और उसका हल भी बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही आसान है, मेरा जो ये वीडियो प्ले हो रहा है इसके ठीक नीचे इस प्रकार से एक सब्सक्राइब का बटन है जिसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो सकते हो। इसके नज़दीक ही एक बेल का आइकन भी बन करके आता है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो है जो प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं आपको डिजीपे के अंदर आने वाली एक प्रॉब्लम है जिसको दिखा देता हूं और उसके बाद में उसका बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको एक जो इसका सॉल्यूशन है वो बता दूंगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके सामने ये प्रॉब्लम आती होगी कि जैसे हम डिजीपे को खोलते हैं तो हमारे सामने ये डाउनलोडिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, सभी के सामने ये प्रॉब्लम आती होगी। तो इसका बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको कारण भी बता देता हूं और इसका हल भी बता देता हूं। कारण तो ये है दोस्तों कि डिजीपे ने अपना नया वर्जन है जो लॉन्च कर दिया है, तो इसे हल करने के दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल सरल है, एक थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। तो आपको आना है डिजीपे की साइट के ऊपर और यहाँ से नया जो थोड़ा कठिन प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ पहले। तो ये आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल दोबारा से करना है, पहले वाले को अनइंस्टॉल कर देना है। लेकिन इस तरीके से आपको क्या है कि पहले वाला जो बैलेंस वगैरह है वो कई बार क्या होता है, नहीं दिखाई देता। तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको आना है मेरी एक साइट के ऊपर, इस साइट के ऊपर, और यहाँ से आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है, ये डाउनलोड वाली। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस साइट के ऊपर आना है और यहाँ से ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल है अपडेट फाइल जिसमें 587 KB सिर्फ छोटी सी फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है क्योंकि मैंने इसे अपलोड किया है। तो आपको क्या करना है, ये अपडेट वाली फाइल है, इसको डाउनलोड करना है, जिप फाइल होगी, इसको फिर एक्सट्रैक्ट करना है। और एक्सट्रैक्ट जैसे ही करोगे तो इसमें आपके सामने इस प्रकार से 5 है जो फोल्डर मिलेंगे, आपको 5 सॉफ्टवेयर मिलेंगे, इनको कॉपी करना है और फिर सी में जाना है और यहाँ CSE गवर्नेंस का जो फोल्डर होगा इसको खोलना है, डीजीपे में जाना है और यहाँ पर सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, जो फाइल है, वो यहाँ पर कॉपी कर देनी है। तो जैसे ही कॉपी करेंगे और इसके बाद में हम जैसे ही डीजीपे को खोलेंगे तो डीजीपे है जो आपका पहले की तरह से बिल्कुल स्मूथली खुलने लग जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जैसे यहाँ पर CSE ID डालोगे और स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा और उस OTP से आप इसको वेरीफाई करके अपने डीजीपे को चला सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरा जो डीजीपे है वो वर्जन 3.2 में आ चुका है। तो इस प्रकार से वर्जन 3.2 है जो नया लॉन्च हो चुका है, ये बहुत ही सरल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको आना है इस साइट के ऊपर, यहाँ से ये फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद में इस डाउनलोडेड फाइल को आपको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इस प्रकार से 5 आपके सामने फाइल मिलेंगी, इनको कॉपी करके सी में जा करके और CSE गवर्नेंस में और डीजीपे में जा करके इनको पेस्ट कर देना है। आपको बस इतना ही काम करना है, न पहले वाले सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है और न ही किसी फाइल को डिलीट करना है। आपको केवल यहां से कॉपी करना है और इसी में जा करके पेस्ट कर देना है। तो आपका डीजीपे है जो बहुत ही सरल तरीके से चलने लग जाएगा। आप प्रयोग ज़रूर करें और शायद दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।